अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम अमरीन, योर इंग्लिश टीचर। आई होप जो हमने लास्ट वीक अपनी क्लास में इंट्रोडक्शन किया था वो आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव आवर चैप्टर, हम अपनी चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ओपन योर बुक क्लास, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ क्लास, उस स्क्रीन में आपके बुक का चैप्टर है। आप सब अपने पास अपनी बुक्स ओपन कर लें, योर इंग्लिश बुक, ओपन योर इंग्लिश बुक, यूनिट नंबर 1, अनवर्स ड्रीम। ओके, यूनिट नंबर 1, अनवर्स ड्रीम, बुक पेज नंबर 2, बुक पेज नंबर 2, चैप्टर अनवर्स ड्रीम। हम यहाँ पर अभी क्लास चौरस में रीडिंग नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम यहाँ क्लास में बैठकर नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को किस तरह से पढ़ाऊंगी, मैं यहाँ पे रीड करूँगी, आपने भी अपने घर पर बैठ के रीड करना है और जिस तरह मैं एक्सप्लेन करूँगी और उसको बहुत केयरफुली सुनना है। ओके, बिकॉज जब मैं आपको काम करवा रही होंगी, इसका तमाम वर्क करवा रही होंगी, तो मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकती हूँ। ओके क्लास, अनवर्स ड्रीम, ड्रीम क्या है, क्या होता है ड्रीम? ड्रीम कहते हैं ख्वाब को, इमेजिनेशन वर्ल्ड, मतलब जब हम सोते हैं, सोने के बाद जो हम नींद में जो चीज़ देखते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका कोई वजूद नहीं होता, सिर्फ ख्वाब होता है, सिर्फ बात होती है, वो क्या होता है, वो ड्रीम होता है। चैप्टर इज एंड इट इज अ हॉट डे, ये एक बहुत गर्म दिन की बात है। अनवर इज इन हिज गार्डन, अनवर कहाँ था, अपने गार्डन में था। आपको पेज पे पिक्चर में अनवर नजर भी आ रहा होगा कि वो एक गार्डन के अंदर वॉक कर रहा है। नाउ ही इज सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री, इट हैज बिग लीव्स। गार्डन में आने के बाद अनवर ने क्या किया, एक बनाना ट्री के शेड में या उसके साए में बैठ गया जिसके बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं। बनाना ट्री की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है क्लास, के वो ट्री जिसके बहुत बड़े बड़े लीव्स हों वो बनाना ट्री होता है। ओके, अनवर इज काउंटिंग आंट, अनवर ने क्या शुरू किया, आंट्स को काउंट करना शुरू कर दिया। आंट्स कहते हैं चूटियों को क्लास, ठीक है ना, रेड कलर की आम सी घर में फिर रही होती हैं इधर से उधर, दैट इज कॉल्ड अनवर्स काउंटिंग आंट। अनवर्स उन आंट्स को काउंट कर रहा था जो कि दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री। डेड ट्री मीन्स बिल्कुल खराब ट्री, मरा हुआ ट्री, जो फ्रूट नहीं दे सकता, जिसके लीव्स ग्रीन नहीं होते, वो क्या हो जाता है, डेड ट्री होता है वो। ओके, वो तमाम आंट्स कहाँ पर चढ़ रही थी, कहाँ पे क्लाइंब कर रही थी, डेड ट्री पे क्लाइंब कर रही थी। तो अनवर क्या करता है, उन ट्री आंट्स को काउंट करना शुरू कर देता है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 और सो ऑन। अनवर इज नॉडिंग हिज हेड, अब क्या होता है, काउंट करते करते अनवर का जो सर है वो नॉडिंग करने लग जाता है। नॉडिंग बेटा उस कंडीशन को कहते हैं जैसे हमें कभी नींद आ रही हो और हम सोने की पोजीशन में जा रहे हो लेकिन हमें सोने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमें नींद के झोंके आने लगते हैं, आंखें बंद होने लगती है और सर बार बार झटके खाने लगता है। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, नॉडिंग कहते हैं। अनवर इज नॉडिंग हिज हेड, अनवर की, अनवर का जो हेड है, उसका जो सर है, वो नींद के झोंकों की वजह से झटके ले रहा था। ही इज क्लोजिंग हिज आईज, फिर क्या हुआ, उसकी आंखें बंद होने लगी, मतलब वो स्लीपी पोजीशन में जाने लगा। जब अनवर स्लीपी पोजीशन में चला गया तो क्या हुआ, इज अनवर थिंकिंग, किच अनवर सोच रहा था, नो ही इज नॉट, नहीं वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। इज ही काउंटिंग आंट्स, क्या अनवर आंट्स को काउंट कर रहा था, नो ही इज नॉट, नहीं भाई वो आंट्स को भी काउंट नहीं करना था। इज ही स्लीपिंग,
क्या अनवर सो रहा था? यस ही इज। जी हाँ, अनवर सो रहा था। अनवर कुछ सोच भी नहीं रहा था। अनवर ना ही आंट्स को काउंट कर रहा था। अनवर की पोजीशन कैसी हो गई थी? बिल्कुल सोने वाली हो गई थी। ओके क्लास, अब देखिए, कुछ देर बाद ही सून अनवर इज ड्रीमिंग। कुछ देर बाद ही अनवर ख्वाबों की दुनिया में चला गया। अब अनवर के ख्वाब में क्या आ रहा है? ही इज मेकिंग अ प्रेजेंट। वो एक गिफ्ट तैयार कर रहा है। इट इज फॉर हिज मदर। वो किसके लिए है? उसकी मदर के लिए है। अनवर एक गिफ्ट तैयार कर रहा है। इट इज फॉर हिज मदर। वो उसकी मदर के लिए है। अब क्या होता है? टर्न आउट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। अनवर इज क्लाइंबिंग अ डेड ट्री। अब अनवर ने सोने से पहले डेड ट्री भी तो देखा था ना, जिसके ऊपर तमाम आंट्स चढ़ रही थी। अब अनवर ने क्या सोचा? ख्वाब में सोचा कि शायद उस डेड ट्री पे अब मैं चढ़ रहा हूँ, मैं उस डेड ट्री के ऊपर जा रहा हूँ। ही इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच। और कहाँ पर बैठ गया मैं? एक ब्रांच पे बैठ गया। ही इज चॉपिंग इट विद एन एक्स। एक्स कहते हैं बेटा कुल्हाड़ी को। आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, अनवर के हाथ में एक वेपन है, एक टूल है, जिसके थ्रू हम बड़े बड़े दरख्तों को कट करते हैं या कहें आप चॉप कर लेते हैं। अब क्या कर रहा है अनवर? जिस ब्रांच पे बैठा हुआ है अनवर, वो ब्रांच कट कर रहा है। क्या होता है? क्रैक क्रैक करके, मतलब जो टूटने वाली जो आवाज आ रही होती है ना, वो फौरन से इस तरह की टूटने वाली आवाज आती है। अनवर फॉल्स डाउन। क्या होता है? अनवर नीचे गिर जाता है। जैसे ही अनवर नीचे गिरता है, अनवर की आंख खुल जाती है। वो एकदम नींद से जाग जाता है और अचानक से वो चिल्लाता है आउच करके। जैसे कभी हमें एकदम अनएक्सपेक्टेडली कोई भी चीज चुभ जाती है, तो हमारी जैसे आवाज निकलती है ना, ओ आउच, इस तरह से। तो बिल्कुल इसी तरीके से अनवर भी जब नीचे गिरता है तो उसकी भी एज इट इज आवाज आती है, आउच। अब वो आउच क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आउच क्यों होता है क्लास? वो क्योंकि अनवर जाग जाता है नींद से। अब जब वो जागता है तो उसको सब अपना ड्रीम वीम कुछ याद नहीं रहता। बस उसको सिर्फ ये याद रहता है कि उसकी नींद क्यों खुली, वो क्यों उसकी आंख खुली, उसको क्यों तकलीफ हुई। क्यों तकलीफ हुई? क्योंकि वो जिन आंट्स को काउंट कर रहा था, वही आंट्स ने उनको उसको बाइट करना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। नाउ ही इज डांसिंग एंड शाउटिंग एंड रनिंग। अब अनवर के जो भी समझ में आ रहा था वो वही कर रहा था, चाहे आप उसको डांस कह लें, चाहे आप उसको शाउटिंग कह लें, या फिर आप रनिंग कह लें। ओके क्लास, आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। इंशाल्लाह ताला अब हम क्या करेंगे? अपनी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का वर्क करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू।